मध्य प्रदेश में चल रहे बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत भाजपा ग्रामीण मंडल सुजालपुर के उगली में शक्ति केंद्र उगली और शक्ति केंद्र उबडई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व विधायक एवं पूर्व ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह सिसोदिया रहे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष परशुराम धनगर ने की। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल जी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर की। सिसोदिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि भाजपा के कार्यकर्ता हो। 2003 के पहले प्रदेश बीमारू राज्य की गिनती में गिना जाता था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। पहले बिजली आती ही नहीं थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। सुजालपुर से ब्रज राठौर की रिपोर्ट। वो जो जो महाभारत पढ़ते हैं ना, उनको मालूम है कि आखिरी तक आखिरी में जाके विष्णु पितामह को सेनापति बनाया, नहीं तो उन्होंने शुरू में सेनापति नहीं बनाया। ये शक्ति दीवार है। तो जो सेना युद्ध कर रही है, उनके आपस में अगर शक्ति, हमको ये डर है कि हमारे बगल में चलने वाला हमें डंडा मार देगा, तो सामने वाले से लड़ पाएंगे क्या? नहीं लड़ पाएंगे, कभी लड़ पाएंगे। आप भी कहीं जा रहे हो और बगल का व्यक्ति रात को आपके साथ चल रहा, तो अपने को ये डर कि पीछे वाला मारेगा कि आगे वाला मारेगा। जब तो वो संकट है कि सरपंच साहब सरपंच का चुनाव लड़ रहा, इनके साथ कई लोग ऐसे होंगे कि आगे सामने कुछ कह रहा, पीछे बत्ती मार रहा, नहीं मार रहा, लगे कि नहीं लगे। तो बड़ा बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी, युद्ध में बहुत बड़ी परेशानी। इसलिए दो बात जरूरी है, एक तो आपस में कोई शक्ति गुंजाइश नहीं होना, एक जिस पे हम हमला कर रहे हैं उस पे अन्याय नहीं कर रहे हैं, न्याय के लिए कर रहे हैं। हमारा युद्ध धर्म के लिए, भगवान ने हमको इसीलिए पैदा किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।